सीरीज में आज हम लोग डेटा टैब के अंतर्गत सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के साथ काम करना देखते हैं। सॉर्ट, हम जानते हैं कि सॉर्ट या सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी डेटा आइटम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते, या डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हमारे टेबल के डेटा को अरेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आइए हम देखते हैं कि हम अपने डेटा को कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सॉर्ट पे आते हैं। सॉर्ट पे आने के बाद हमारे पास सॉर्ट बाय, यहाँ से कॉलम है, आप जैसे सॉर्ट करना चाहें। सॉर्ट बाय सपोज हम लोग नेम के हिसाब से सॉर्ट करना चाहें, ओके करें तो ये आपका नेम के हिसाब से सॉर्ट हो जाता है। वापस यहाँ पे सॉर्टिंग के भी अलग अलग लेवल दे रखे हैं, हम लोग मोर लेवल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसे डिलीट कर दिया, वापस यहाँ से हम लोग लेबल ऐड करते हैं और सॉर्ट करना है हम लोगों को उसके जॉब के हिसाब से। जॉब के हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हमें उसके जॉब के हिसाब से जो भी सॉर्ट हुए उनमें फिर उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से अरेंज करना है। सो वी कैन हैव मोर देन वन सॉर्टिंग एंड वी हैव टू डिफरेंट लेवल्स हियर। पहला है कि हमको जॉब के हिसाब से सॉर्ट करना है, और जब जॉब के हिसाब से सॉर्ट हो जाए तो उसमें फिर जितने भी जॉब वाइज हैं उनमें उनको उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से सॉर्ट करना है। सो आपने देखा कि सॉर्टिंग में हम लोग मैक्सिमम लेबल्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, फिर यहाँ ओके करते हैं। अब आप देख सकते हैं कलर एक साथ है, मैनेजर एक साथ है। अब कलर भी हैं तो कलर में देखिए सॉर्ट किया हुआ है, पहले दो चार ज्वाइनिंग, फिर तीन चार, फिर दस दस, और उसी तरह से मैनेजर में एक चार और 12 4 2020। तो ये है आपका सॉर्ट जिसके थ्रू हम लोग डेटा आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। वापस सॉर्ट को रिमूव करना है तो जाएंगे यहाँ से और यहाँ से लेबल को डिलीट कर देंगे, हमारा सॉर्टिंग रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ से ओके करते हैं। उसी तरह से अगला है आपका फिल्टर। यस, आप देख रहे हैं इस टेबल में फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ से आप चाहें तो वापस फिल्टर हटा सकते हैं या वापस फिल्टर को ऐड कर सकते हैं। फिल्टर ऐड करने के बाद बेनिफिट ये होता है कि अगर हमारे पास टेबल में एक लार्ज डेटा सेट है तो वहाँ से हम किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को पिक कर सकते हैं। जैसे जॉब में हमें कलर का जॉब देखने वाला डिटेल्स लेना है, सो कलर को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, सिर्फ कलर वाले डिटेल्स मिलेंगे। उसी तरह से अगर हमें इसको रिमूव करना है तो फिर सारे डिटेल्स आते हैं। आईडी के हिसाब से लेना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेना है। यहाँ पे आपके फिल्टर्स के और भी हैं, आप नंबर फिल्टर्स भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू हैं, ग्रेटर देन है। सपोज हमें उन सारे का डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन और 10,000 स्पेसिफाई कर सकते हैं, ओके करते हैं। उस हिसाब से ये फिल्टर हो जाता है। अब ये फिल्टर्ड है, आप यहाँ पर देख रहे हैं फिल्टर होते ही वहाँ पर फिल्टर का साइन आ जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट फील्ड के साथ फिल्टर करेंगे तो ये फिल्टरेशन हुए डेटा से वो फिल्टर करेगा। वापस रिमूव करना है तो उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लियर फ्रॉम सैलरी, वो आपका फिल्टर हट जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें एडवांस फिल्टर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आइए देखते हैं एडवांस फिल्टर कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोगों को ये आपका कॉलम, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको ऊपर में सेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को जो भी करना हो, जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ मैनेजर का देखना है, यहाँ से लिखते हैं मैनेजर, यहाँ से फिर आते हैं हम लोग एडवांस्ड पे। लिस्ट रेंज क्या है आपका, तो ये है। क्राइटेरिया क्या है, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया तो आपने दे ही रखा है। उसके बाद ओके करिए, तो इस तरह से आपने स्पेसिफाई किया। वापस यहाँ से क्लियर करें तो हमारा क्लियर हो जाता है। इस बार हमें देखना है कि जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है आपका बाद का 10/4/2020, तो फिर से सेलेक्ट करते हैं, आते हैं यहाँ से एडवांस्ड पे, यहाँ से लिस्ट रेंज आपका है, क्राइटेरिया रेंज वापस सेलेक्ट करते हैं, ये भी है, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10/4/2020 से पहले जो है उनका डिटेल्स आपके सामने दिख रहा है। इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं।
तो ये है आपका फ़िल्टर और ये हुआ आपका एडवांस्ड फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर में और भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे सपोज़ हम वापस यहाँ से एडवांस्ड पे आते हैं, यहाँ से हमने फ़िल्टर करना था। क्राइटेरिया हमारा था कि लेस देन 10 for 2020, और उसके बाद हम इसे चाहते हैं कि ये फ़िल्टर होके किसी और लोकेशन में कॉपी हो जाए। लोकेशन हमने ये स्पेसिफाई कर दिया, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ़िल्टर डेटा को हमने पिक करके कहीं और लोकेशन पे पेस्ट कर दिया। तो एडवांस फ़िल्टर का ये यूज़ है, जिसमें आपने देखा कि आप अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं और फ़िल्टर डेटा को कहीं और ले जाके आप स्टोर भी कर सकते हैं। फ़िल्टर ऐड करने के बाद हमने एक कंडीशन लगाया, यहाँ से आते हैं, हमें सिर्फ कलर को व्यू करना है, फिर ओके कर लिया। हमने कुछ और डेटा यहाँ ऐड किया, इस तरह से डेटा ऐड किया। अब आपने जो फिल्टर किया है उसमें हमें कलर देखना था, लेकिन एक नया डेटा ऐड हो गया है, तो हम यहाँ से री अप्लाई करके उसको फिर से फिल्टर ऐड कर सकते हैं। वो इफेक्ट फिर से आपका आ गया। यहाँ से हम क्लियर करेंगे तो हमारे सारे रिकॉर्ड्स यहाँ दिखेंगे। सो ये है आपका सॉर्ट एंड फिल्टर।